इस पाकिस्तान की ये तमाम दिन जो हम 11 अगस्त 2023 के हकूक मार्च जिना का पाकिस्तान रैली की तैयारी के सिलसिले में कम्पेन कर रहे हैं, तो आज जब मैं यहाँ पहुँचा तो हमारी ये रूटीन है कि हम शहीद शहबाज भट्टी की जाए शहादत पे उनकी हाज़िरी देते हैं और फिर अपने काम का आगाज़ करते हैं। और जब हम यहाँ पे पहुँचे तो हमने देखा इस सूरत हाल कि ये हमेशा की तरह इसकी तस्वीर भी जो है वो भी डिलीट हो चुकी है मौसमी हालात की वजह से, और इसकी कोई प्रॉपर जो है लुक आफ्टर भी नहीं हो रही। पिछली दफ़ा भी हमने ऐलान किया था और हमने जब यहाँ पे तस्वीर बना के लगाने की कोशिश की तो वो अनासर जो शहबाज भट्टी के नाम पे लाखों रुपया करोड़ों रुपया फंड्स बटोर रहे हैं, उन्होंने रात के अंधेरे में ही वहाँ पे एक फोटोकॉपी की तस्वीर लगा दी जो कि, और आज उसका ये हाल है। और इन्होंने प्रॉपर जो हमने पूरा इंतज़ाम किया था वो भी नहीं करने दिया। तो मैं समझता हूँ दुनिया शहबाज भट्टी को मोहब्बत करती है, शहबाज भट्टी से प्यार करते हैं, फिर पाकिस्तान की अकलियतें और एक दलेर लीडर ने कौम के लिए अपनी जान का नजराना दिया, और कुछ लोग जो उनके नज़रियात के फॉलोअर हैं वो आज भी उनकी जदोजहद को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन जो उनके नाम पे फंड्स खा रहे हैं, हॉस्पिटल बना रहे हैं, तकियाती काम कर रहे हैं, समाजी काम है, वो ना मुल्क में आते हैं और ना यहाँ पे आके किसी चीज़ को देखते हैं, सिर्फ वो बराए नाम दावा करते हैं कि हम शहबाज भट्टी के जानशीन हैं। तो शहबाज भट्टी का जानशीन तो वो है जो उसके अफकार को, जो उसके नज़रियात को, जो उसकी तहरीक को लेके आगे बढ़ रहा है। तो माइनॉरिटी साइंस पाकिस्तान आज हम काफ़ी परेशान हुए हैं, मेरे तमाम दोस्त भी, हम ये ऐलान करते हैं कि हम कल ही इसको दोबारा से हम इसकी तस्वीर भी करेंगे और इसको बिल्कुल साफ़ करवा के वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे अपडेट कि हमने इसके लिए ये किया। तो हम शहबाज भट्टी से मोहब्बत करते हैं, उनको ट्रिब्यूट पेश करते हैं और उनके नक्शे कदम पे उसकी तहरीक को चलाने के लिए हम पूरा अज़्म है और चला रहे हैं। और मैं उन लोगों से जो उनके नाम पे फंड बटोर रहे हैं, सिर्फ पैसे दुनिया भर से इकट्ठे कर सकते हैं, मैं उनको कहता हूँ आपको शर्म आनी चाहिए, आप शहबाज भट्टी का नाम तो ले रहे हो लेकिन आप उनके नज़रियात को आगे नहीं बढ़ा रहे, आप उनकी फिक्र को आगे नहीं बढ़ा रहे, आप उनकी सोच को आगे नहीं बढ़ा रहे, और आप जाए शहादत जिस खून पर आप पैसे कमा रहे हैं उस जगह को आप देखिए और आपके शर्म से झुक जाएंगे। लेकिन हम से मोहब्बत करते हैं, हम आज पाकिस्तान की अकलियतों को ये यकीन दिलाते हैं, पाकिस्तान के मसीहों को ये यकीन दिलाते हैं कि ना शहबाज भट्टी की जदोजहद रुकेगी, ना उनके नज़रियात पे कंप्रोमाइज़ किया जाएगा, हम उनके नक्शे कदम पर चलते हुए अपनी जान भी देने के लिए तैयार हैं और इस जगह का भी हम ख्याल रखेंगे और इसको बिल्कुल उनका लिए ठीक करके आपके साथ आप पेश करेंगे। थैंक यू वेरी मच। जिस तरह आज हम सुबह आए और हमने देखा कि जहाँ जय शहादत काफ़ी ख़राब सूरत हाल थी, काफ़ी यहाँ पे और ये तस्वीर भी ख़राब हो चुकी थी, तो हमने आपको अपडेट किया। आज माइनॉरिटी साइंस पाकिस्तान ने हमारी सारी टीम आज सारा दिन इसी टास्क पे थी, तमाम दोस्तों ने यहाँ पे और नई तस्वीर बना के शहीद शहबाज भट्टी की हमने यहाँ पे तस्वीर लगाई है और हमने उनकी तरह कुर्बानी को खराज तहसीन पेश करने के लिए यहाँ पे गुलाब की बत्तियाँ दोस्तों ने रखी हैं, अभी हम क्षमा भी नहीं करेंगे। और आज से हम जो जिना का पाकिस्तान अवामी रैली है, जो हुकूक मार्च है, जो 11 अगस्त 2023 को बरोज़ जुमा हम करने जा रहे हैं, उसकी बाकायदा हम सरगर्मियों का आगाज़ करते हैं। हमारी ये सारी टीम आज से इस्लामाबाद की तमाम गलियों में, बाज़ारों में, तमाम मसीह आबादियों में जाएंगे, लोगों को इनवाइट करेंगे ताकि हम अपने हकूक़ की बहाली के लिए शहबाज भट्टी के नक्शे कदम पर चलते हुए अपने हकूक़ के लिए आवाज़ उठाएँ। पाकिस्तान को कायद अजम का लिबरल और सेकुलर पाकिस्तान बनाने के लिए हम जदोजहद करें के पाकिस्तान की बका कायदे आज़म के पाकिस्तान में ही पिनहर है और हम चाहते हैं कि यहाँ पे तमाम लोग बराबर के शहरी हों, किसी को किसी पर भी इम्तियाज़ हासिल ना हो। तो आज हम शहबाज भट्टी साहब को खराज तहसीन पेश करते हैं, उनकी कुर्बानी को सलाम पेश करते हैं और एक दफ़ा फिर हम तमाम साथी जिसमें हमारे इस्लामाबाद के सदर हैं, सेक्रेटरी हैं, हमारे KPK के प्रेजिडेंट हैं, हमारे यूथ के मेम्बरान हैं, हम तमाम आज ये फिर अहद करते हैं कि हम माइनॉरिटी साइंस पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से हम शहबाज भट्टी साहब का मिशन को जारी रखेंगे और भरपूर तरीके से मेहनत करेंगे ताकि हकूक मार्च कामयाब हो और हम अपने हकूक के लिए आवाज़ उठाएं, हमारी आने वाली नस्लों के लिए हम एक महफूज और अच्छा पाकिस्तान रखें।